हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। आज के हमारे इस वीडियो में हम जेंडर के विषय में जानेंगे, तो आइए जानते हैं जेंडर के विषय में। जेंडर शोज द डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। कहने का तात्पर्य यह है कि वह शब्द जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री के मध्य अंतर को पहचाना जा सके वह जेंडर कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्त्री और पुरुष के मध्य अंतर बताने वाला शब्द जेंडर कहलाता है। ये अब जानते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर के विषय में। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर, फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। आइए अब जानते हैं मैस्कुलिन जेंडर के विषय में। A noun that is the name of any male person or animal is said to be the masculine gender. Example, boy, man, uncle, bull. कहने का तात्पर्य यह है कि वह शब्द जिसके द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध होता है वह masculine gender कहलाता है। जैसे boy, man, uncle, bull, इन सभी शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, अतः यहाँ पर लिखे हुए ये सभी शब्द मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। आइए अब जानते हैं फेमिनिन जेंडर के विषय में। अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ एनी फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल, गर्ल, वूमेन, आंट, काउ। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री जाति के विषय में पता चलता है वे सभी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे गर्ल, वुमेन, आंट, काउ, ये सभी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, अतः ये सभी शब्द फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। आइए अब जानते हैं कॉमन जेंडर के विषय में। अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ एन एनिमल और पर्सन That may be either male or female is said to be of the common gender. For example, teacher, baby, bird, parents. कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी संज्ञा शब्द जिनका प्रयोग केवल स्त्री जाति या पुरुष जाति के लिए ना होकर सामान्य रूप से दोनों जातियों के लिए होता है वह common gender कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह संज्ञा शब्द जिसका प्रयोग हम पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों के लिए करते हैं वह कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। जैसे टीचर, बेबी, बर्ड, पेरेंट्स। यहाँ पर लिखे हुए इन शब्दों का प्रयोग ना तो केवल स्त्री जाति के लिए होता है और ना ही केवल पुरुष जाति के लिए। यहाँ पर लिखे इन शब्दों का प्रयोग स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों के लिए समान रूप से किया जाता है, अतः यहाँ पर लिखे हुए ये सभी शब्द कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। आइए अब जानते हैं न्यूट्रल जेंडर के विषय में। अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, पेपर, मोबाइल, डेस्क, फाइल, पेन। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी संज्ञा शब्द जिनसे निर्जीव वस्तुओं के विषय में पता चलता है वे न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे पेपर, मोबाइल, डेस्क, फाइल, पेन। यहाँ पर लिखे हुए इन शब्दों से निर्जीव वस्तुओं के विषय में पता चलता है ये सभी शब्द निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं, अतः ये सभी शब्द न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी जेंडर और काइंड्स ऑफ जेंडर के विषय में। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।